देखिए, हम तो एनडीए में थे ही और एनडीए के साथ चुनाव 2015 में हम लड़े थे और उस समय एनडीए से हम महागठबंधन में आए। माननीय लालू प्रसाद जी ने उस समय दो तीन बातों की चर्चा जो हम करते रहे थे एनडीए में और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, 2.5 वर्ष बीत गया था, 3 वर्ष बीत गया था, तो हमें लगने लग गया था क्या हमारी बात यहाँ नहीं मानी जाएगी क्या। इसी बीच में लालू प्रसाद जी ने हमसे संबंध स्थापित करने का काम किए और कहा गया कि ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम सारी बात आपकी लड़ाई आपके साथ सुनेंगे। और हमारी बात क्या थी, हमारी बात ये थी कि आज कोर्ट कचहरी में यानी न्यायालय में शेड्यूल कास्ट अगर एक्यूज होता है तो उसको सज़ा मिल जाती है, ठीक है, और यदि शेड्यूल कास्ट प्रथम पार्टी बनता है तो वहाँ पर साक्ष्य के अभाव में मुकदमा रखा जाता है। शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें भी देखा जा रहा है कि इतना अब नॉर्मल डिले किया जाता है जिसके तहत साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो उसमें जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम हो जाता है, जिसके चलते हम सरकार से खासकर नरेंद्र मोदी जी से भी हमारी बात करें। फिर हमने कहा था कि निजी क्षेत्र का दायरा बढ़ रहा है, इसलिए निजी क्षेत्र में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण अगर दीजिएगा तभी आरक्षण का जो क्वांटम है मेंटेन रहेगा और नहीं तो फिर आरक्षण हमसे छीन जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पदाधिकारी भी हैं शेड्यूल कास्ट में, उनको प्रमोशन में आरक्षण की जरूरत होती है, आरक्षण देना चाहिए। फिर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात अम्बेडकर साहब की बात करके कहते थे कि राष्ट्रपति का बेटा हो या गांधी का संतान सबको शिक्षा एक समान। 72 वर्ष उस समय था, अब तो 73 वर्ष हो गया, 74वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया है तो आज तक नहीं हो पाया। यही कारण है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब काफ़ी पिछड़ा है, या मोमिन्स में भी मुसलमान भाइयों में भी जो साक्षरता का दर है बहुत कम है। इन सवाल पर हम बात कर रहे थे, इस पर लालू प्रसाद जी ने कहा कि भाई वो लोग नहीं सुनेंगे, आप मेरे साथ चले। हम उनके साथ गए और उनके साथ जाने के बाद हमको कुछ अटपटा ऐसा लगा कि लगता है कि एक कुछ करने वाले नहीं। इसी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि हम बार बार मांग कर रहे थे कि भाई कोई भी पार्टी में तो अलग अपना अपना उनका आधिपत्य होता है, स्वामित्व होता है, लेकिन जब गठबंधन की बात होती है तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, समन्वय समिति बननी चाहिए। और जॉर्ज फर्नांडिस साहब, शरद यादव जी, ये सब जो उस समय गठबंधन था उसका वो समन्वयक होते थे। उसी लहजे में हमने कहा कि अभी महागठबंधन है उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। उसके लिए आप लोग ने देखा होगा दिसंबर 2019 में दिसंबर महीना में हमने कहा था कि आप लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, नहीं बना, और यदि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाइएगा तो हम महागठबंधन में नहीं रहेंगे। फिर मार्च में कहा, फिर अप्रैल में कहा, मई में भी लास्ट समय दिया था। उस समय कांग्रेस के लोगों से हमने बात करने का काम किया, कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, यही होना चाहिए। रालोसपा जो पार्टनर है, VIP पार्टनर है, कांग्रेस जो पार्टनर है और हम तो थे ही, चारों का एक मत था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। इस लाइन पर हमने कांग्रेस से भी बात किया, इवन वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से राहुल गांधी से भी हमारी बात हुई, मोहम्मद पटेल साहब से भी बात हुई। सब लोगों ने कहा कि आप अच्छी बात बोल रहे हैं, यही होना चाहिए। और शक्ति सिंह गोहिल को राहुल जी ने डायरेक्ट किया कि जा करके आप बात कीजिए वहाँ और बात करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवाइए। लेकिन आपने देखा होगा कि 15 अगस्त के पहले शक्ति सिंह गोहिल
बात करना चाहे राजद के मेम्बरान से, उन लोग बात नहीं किए और इसलिए वो चले गए दिल्ली, अभी तक नहीं आए हैं। अब हम समझा कि जो कांग्रेस की बात नहीं मान रहे हैं और हम लोगों की बात तो मान ही नहीं रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के तगादा को समझते हुए हमने कहा कि अच्छा होगा कि अब इन लोग काम ठीक नहीं करेंगे। अब क्या गलती होती है, रघुवंश बाबू का स्टेटमेंट आप लोग सब जानते हैं, उस चीज़ को हम दोहरा नहीं सकते क्योंकि वो हम रहने का काम किया है और हमको ये नहीं लगता है कि ज़्यादा छिद्रावनेशन करें, लेकिन रघुवंश बाबू जो उनको कहना था उन्होंने कह दिया। मान लीजिए कि उनका स्टेटमेंट मेरा भी स्टेटमेंट है और इसीलिए चुनाव के जब डिक्लेरेशन होता है तब यहाँ सीट का भी डिक्लेरेशन, तो इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन की बात बार बार कर रहे हैं। अगर कोऑर्डिनेशन बनती तो सीट का भी बारह न्यारा होता, कोई राजनीतिक प्रोग्राम भी होता तो बारह न्यारा होता, अच्छा होता। तो इस तरह से हमारी बात नहीं मानी गई। लास्ट में 20 अगस्त को कह दिया कि अब हम महागठबंधन में नहीं आए, तो महागठबंधन में नहीं रहने के पीछे यही बैकग्राउंड था जो आप लोग। हमारी पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, उसका गठन ही हुआ था कि जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री 9 महीना के लिए बना। उस समय चाहे युवा के लिए हो, चाहे महिला के लिए हो, चाहे छात्राओं के लिए हो, इवन आप लोगों के लिए, मीडिया पर्सन के लिए भी हमने जो किया था, पेंशन लागू करने की बात, किसानों के लिए किया था, 5 एकड़ जमीन रहने वाले भर माफ़ कर देंगे, उर्दू को अनुमति जो वो होता है उनका मकतब होता है उसमें पढ़ाई के लिए टीचर या मौलाना मजदूर हकीम यूनिवर्सिटी तो उन लोग जमीन नहीं दिए थे, वो बना नहीं रहे थे, जबकि 4 यूनिवर्सिटी एक साथ सेंक्शन हुई थी, 3 लोगों को बन गया था, चाहे यहाँ मधेपुरा का मामला हो या आरा का मामला हो या फिर विनोबा मंडल इस यूनिवर्सिटी का मामला हो, तो सब जगह बन गया, सिर्फ मौलाना मजदूर हकीम यूनिवर्सिटी पर नहीं बना था, उसको भी हम लोगों ने बनाया। और इस तरह से सब समाज के लिए हमने काम किया। हमारे पुलिस पर्सनल हैं, 13 महीना का पे के लिए बेचारे 6 बरस से उनके जो खंडे जी हैं और लड़ रहे थे, उनको 13 महीना का पे हमने दिया। फिर हमने एक होम गार्ड को जो 20 रुपया उनको तनख्वाह मिलता है खाने के लिए मिलता था, उसको 100 रुपया हमने किया। फिर हमने किया कि जब रिटायर होते थे या मर जाते थे हमारे होमगार्ड के भाई, तो उनको एक थोड़ी नहीं पैसा मिलता था, हमने उनको 4 लाख रुपया देने के लिए किया। तो ठेकेदारी में आरक्षण किया और इसी तरह से अनेक काम हमने किया था। तो हमारी पार्टी का गठन इसीलिए हुआ था कि हम इन कामों को पूरा करेंगे और उसी दृष्टिकोण से हम सारी बात कर रहे थे। लालू जी के पास गए तो लालू जी को तो हमने देखा कि NDA के लोगों से वे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट विरोधी, शेड्यूल कास्ट के लिए बार बार जैसे अभी कहा प्रमोशन में आरक्षण, कोर्ट के हर्डिक के बियॉन्ड जाकर के हमने प्रमोशन में आरक्षण दिया था। DPC की बैठक नहीं बुलाया, DPC की बैठक अगर होती तो इनका आरक्षण नहीं होता, दूसरे लोगों को मिल जाता, हमने उसको कैप्टन अभियंत रख दिया और उन लोगों को दिया। उसी प्रकार से MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि हमारे जो लड़के डॉक्टरी के लिए पढ़ते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो 40 नंबर लाएंगे तभी उनका नामांकन होगा। और इस बिना पर हमारा 100 लड़के बाहर जा रहे थे, हम जब मुख्यमंत्री थे तो हम उन सब लड़कों को 32 नंबर तक रहने वालों को एडमिशन दिलाया, 85 लोग आज डॉक्टर हुए। कहने का मतलब कि अनेक क्षेत्र में हम लोग काम किया था, लेकिन जब DNA के पास आए, लालू जी के पास, तो हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने हमको मुख्यमंत्री बनाया, इसके लिए उनको धन्यवाद ध्रुवक देते हैं, आज भी हम देते हैं। लेकिन हटाने के लिए लालू प्रसाद जी ने एड़ी चोटी का पसीना एक किया, नीतीश जी के साथ मिलकर के राजभवन भी गए, राष्ट्रपति भवन भी गए कि जीतन मांझी को हटा दी। तो मेरा कहने का मतलब वो हमारे एक तरह से शेड्यूल कास्ट का एक मौका मिला था, जो काम कर रहा था तो हमारे हितैषी नहीं हुए। अभी हाल में बिहार विधानमंडल आरक्षण बचाओ समिति का गठन हुआ,
उसमें श्याम रजक जी और ललन पासवान जी दोनों कन्वीनर और सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। हम लोग बड़ा अच्छा लगा था, 40 विधायकों में 32 विधायक वहाँ पर हम लोग थे और सब लोगों ने कहा कि इसको राज्य स्तर से लेकर के केंद्र स्तर पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि चौथी मीटिंग हुई, जब हम लोग दिल्ली जाने की बात करने लगे तो 11 गो उनका मेंबर था, उसको हटा करके इस जो हमारा जो ये था कंपेन उन्होंने फाइल कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट का जहाँ तक हित का सवाल है, चाहे आरक्षण का मामला हो या फिर अन्य का मामला हो, ये सिर्फ बात करते रहे हैं लालू जी कि उसके साथ कभी नहीं रहे हैं, इसीलिए उनको हमने भी छोड़ा है। अब रही बात अगला कोर्स, तो आप लोग जानते ही हैं कि 30 तारीख तक हमने डेट दिया, जैसे पहले दिया था अष्टमन डेट, उसी तरह से 30 तारीख तक लास्ट डेट दिया है। 30 तारीख तक क्या राजनीतिक निर्णय, कहाँ हम जाएंगे, अपने लड़ेंगे या अलग मोर्चा बनाएंगे या कोई गठबंधन के साथ हो जाएंगे, ये 30 तक हम निर्णय लेंगे।